विलेज का एक छोटा सा घर, दो लाश नीचे पड़ी है, एक बच्ची की और एक बहुत ही छोटे बच्चे की, और चारों ओर भीड़ जमा है, सब रो रहे हैं। एक आदमी और एक औरत एक कमरे में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जिसे एक बाहर खड़ा इंसान सुन सुनकर गुस्सा हो रहा होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो दरवाजे पर जोर से एक लात मारता है। अंदर बातें कर रहे आदमी और औरत डर जाते हैं और दोनों बड़ी बड़ी आंखें करके दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। सोहनपुर गांव में भोला अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। भोला खेत में उगाए सब्जियों को बाजार में बेचकर घर चलाता था। उसकी बीवी हमेशा ताने मारती थी। एक तो तुम ज्यादा कुछ कमाते नहीं, ऊपर से ये दो बेटियां, एक बेटा हो जाता तो कम से कम बड़ा होकर घर तो संभालता, लेकिन भगवान को भी मुझ पर पता नहीं कौन सी दुश्मनी है जो दोनों बेटियां मेरे घर भेज दिए। कोई सहारा नहीं देगा हमें। अरे क्यों भगवान को कोसती है पगली, जब हम बेटियों को अच्छे से पढ़ाएंगे तो देखना, ये दोनों किसी बेटे से ज्यादा अच्छा सहारा बनकर दिखाएंगी। बेटियां तो देवी होती हैं और मेरी दोनों बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, भोला की पत्नी विशला गुस्से में बोलती है। किसी बातों से कम नहीं है, जिस दिन दहेज लेकर विदा हो जाएंगी ना, उस दिन बोलना ये बात। कुछ छोटी लड़कियां हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं, कोई पेड़ के पीछे, कोई घर के पीछे छुपे होते हैं। एक बच्ची आंखें बंद करके कुछ लाइन बोल रही होती है। छुपन छुपाई तो मेरे भाई, एक भाई छोटा मास्टर जी का लोटा, लोटे में पानी सब बच्चों की रानी, 5 4 3 2 1। अभी उस बच्ची को भोला गोद में उठा लेता है और बच्ची आंखें खोलती है और बोलती है, अरे पापा आप यहाँ कैसे आए, छुप जाओ नहीं तो आप चोर बन जाओगे, मैं आपको पकड़ लूंगी, फिर आपको भी मेरी तरह आंख बंद करना पड़ेगा। अच्छा तो तू अपने बाबा को चोर बनाएगी और खुद पुलिस बनेगी है ना? नहीं बाबा, मैं पुलिस नहीं, मैं तो वकील बनूंगी और आपका खेत वाला केस फ्री में लड़ूंगी और आपको जल्दी से न्याय दिला दूंगी। भोला फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहां आसपास छुपे हुए सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं और भोला उनमें से एक और बच्ची को हाथ पकड़कर ले जाता है और घर की तरफ आने लगता है। भोला दोनों बेटियों को लेकर घर आता है, तभी अपने घर के आंगन से एक चमचमाती कार को जाते हुए देखता है और अंदर जाकर अपनी पत्नी से पूछता है, ये कार किसकी थी विशला, और ये लोग क्यों आए थे हमारे घर? अरे आप भूल गए इन लोगों को, जब हम दोनों गांव के बाहर वाले मंदिर में गए थे अपनी पहली बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना करने, तब एक पति और पत्नी भी आए थे अपने बीमार बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करने, और आपने उनके बेटी को खून भी दिया था, याद है या भूल गए? अरे हाँ याद आया, क्या ये वही लोग थे, आज कैसे याद आई उनको हमारी? वो मीरा के बाबूजी, बात ये है कि उस दिन मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, जब आप उनके बच्चों को खून देकर बचा लिए थे ना, तब उन्होंने कहा था कि मेरी बच्ची अगर लड़की पैदा हुई तो वो अपने बेटे के साथ मेरी बेटी की शादी करवा देंगे और रिश्ता जोड़ेंगे। उन्होंने मुझसे वचन लिया था और मैं आपको बिना बताकर ही उन्हें वचन भी दे दिया था, तो आज वो दोनों आए थे शादी के बात करने के लिए। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपा के रखी, इसकी कोई तो वजह होगी, और तू करना क्या चाहती है हमारी बेटियों के साथ? अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं क्या दोनों की बुरा चाहूंगी, अच्छे घर है, बड़े लोग हैं और हमारी बेटी को भी अपने से ही घर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारी बेटियां छोटी हैं, उनके पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र है, शादी ब्याह की नहीं। दोनों पति पत्नी में बहस होने लगता है, दोनों अपनी अपनी बात को सही साबित करने में लग जाते हैं।
और दोनों मासूम बच्चियां कभी अपने माँ को देखती है तो कभी अपने बाबा को या फिर एक दूसरे को। इसी तरह रात हो जाती है और खाना खाकर चारों सोने चले जाते हैं। बिस्तर में सोते हुए, सो गए क्या? भोला कोई जवाब नहीं देता। मैं जानती हूँ आप जग रहे हो, बस मुझसे बात नहीं करना चाहती हो। आपको क्या लगता है मैं अपनी दोनों बेटियों की दुश्मन हूँ क्या? अरे मैं तो बस दोनों की भला सोचती हूँ। एक ना एक दिन दोनों की शादी तो करवानी पड़ेगी किसी ना किसी घर में। इतना अच्छा घर कहाँ से मिलेगा? और उन लोगों ने मुझसे खुद कहा है कि वो हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे, काबिल बनाएंगे। तब तक पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उनका बेटा किसी और लड़की को पसंद करके घर लाए, इससे पहले वो हमारी बेटी को बहू बनाकर ले जाना चाहती है। भोला सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है और एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद मेरी बेटी मेरे पास ही रहेगी। मैं खुद उसे पढ़ाऊंगा और जब वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब उसकी विदाई होगी, जब वो समझदार और बालिग हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मुझे भी किसी के दिए हुए वचन की कोई परवाह नहीं होगी। विशाला यह बात सुनकर खुशी से अपने पति को गले लगा लेती है और कहती है, मैं खुद ये बात उनसे करूंगी और वो जरूर मान जाएंगी। उधर दोनों मासूम बेटियां आपस में बात कर रही होती हैं। दीदी ये शादी क्या होती है? जैसे हम गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं वैसा ही होता है ना? पापा से बोलकर तेरी शादी करवा दूंगी, तब तुझे खुद समझ आ जाएगा। जब तुझे कोई अपने साथ लेकर जाएगा तेरे सारे लड्डू मैं खा जाऊंगी अकेली। नहीं भैया, मुझे कोई क्यों ले जाएगा, और अगर मैं जाऊंगी तो अपने सारे लड्डू साथ ले जाऊंगी। तो तू बड़ी चालाक लोमड़ी है। दोनों ही मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगते हैं। दूसरी सुबह वैशाली फोन पर किसी से बात करती है और खुशी होते हुए बोलती है, जी जी हाँ, सब हो गया है, आप लोग बस तैयारी करके आ जाइए, जल्दी से जल्दी बारात लेकर आइए, हम आप लोगों की इंतजार करेंगे। जल्दी ही शादी का सारा काम शुरू हो जाता है और भोला भी मायूस मन से तैयारियां करने लगता है। बारात आती है, सुंदर दूल्हा देखकर भोला थोड़ा खुश हो जाता है और एज के हिसाब से एकदम ठीक दामाद देखकर वो सबका स्वागत पूरे मन से करता है। शादी हो जाती है। वैशाली अपनी दुल्हन बनी बेटी को फूलों से सजाए हुए कार में बिठाने जाती है, तभी मेरी बेटी की विदाई अभी नहीं होगी, ये बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूं ना। पास ही खड़ी उनकी समधन आगे आती है और वो हाथ जोड़कर भोला से कहती है, विदाई में तो सभी दुल्हन अपने ससुराल जाती है, देखिए अब हम खाली बारात लेकर तो वापस नहीं जा सकते है ना, दो दिन बाद हम खुद आपकी बेटी को आपके घर पर छोड़ जाएंगे, आप चिंता ना करें। भोला बात मान जाता है और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगता है। दुल्हन बनी बड़ी बेटी बड़े ही मासूमियत से भोला का चेहरा अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ती है और चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहती है, बाबा आप जब अपने केस लड़ने शहर जाते हैं तो कहकर जाते हैं हंसकर विदा करना चाहिए तो जीत मिलती है, तो बाबा आप आज मुझे हंसकर विदा क्यों नहीं करते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि मैं आपकी तरह शहर जाऊं और जीत कर आऊं? भोला जल्दी से अपने आंसू पोंछता है और अपनी मासूम सी बेटी को गले लगाते हुए कहता है, हाँ मेरी बच्ची, मैं तुझे हंसकर विदा करूंगा, अब नहीं रोऊंगा। मैं जानता हूं तू जिंदगी के सारे केस बड़ी आसानी से जीत लेगी और कभी हारेगी नहीं मेरी बच्ची, कभी तेरी हार ना हो, मैं यही चाहूंगा तू हमेशा जीते। तभी पास खड़ी छोटी बेटी ये सब देखकर भागती हुई आती है और अपनी बहन और बाबा को
दोनों को गले लगाती है। बाबा से कहती है, पापा मुझे भी दीदी के साथ जाना है इस बड़ी गाड़ी में, मुझे भी दीदी की तरह जीतना है। वैशाली छोटी बेटी को पकड़कर पीछे ले जाती है और फिर दोनों मिलकर अपनी दुल्हन बनी बेटी को कार में बिठाते हैं और खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वैशाली अपनी छोटी बेटी को लेकर अंदर चली जाती है, लेकिन भोला अभी भी कार को दूर तक जाते हुए देखता रहता है। बेटा तुम कभी घर से दूर नहीं रहे, तुम वहाँ पर अपना ख्याल कैसे रखोगे? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। माँ मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, तुम अब मेरी चिंता मत करो, तुम बस अपना और बाबूजी का ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, तुम अच्छे से जाना और पहुँच कर तुम्हारे पिताजी को फोन करना। विक्रम अपने माता पिता का इकलौता लड़का है, वो अपनी माँ का बड़ा लाडला है। वो लोग सोमपुर गांव में रहते हैं। बचपन से ही विक्रम दूर देश में जाने का सपना देखा करता था। मैं भी कभी ऐसे ही एरोप्लेन में चढ़ के दूर देश जाऊंगा नौकरी करने। अपना सपना पूरा करने के लिए विक्रम बहुत मेहनत करता है और आखिर में उसका मेहनत रंग लाई। माँ पिताजी मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई। जीते रहो बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन विक्रम की माँ नैना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नौकरी करने के लिए इतनी दूर जाना जरूरी है क्या? पर दुखी होने से क्या फायदा, आखिर बेटे को विदा करना ही पड़ा। पिताजी मैं कुशल मंगल यहाँ पहुँच गया हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। इधर नैना अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने लगी। पुष्पा मेरे लड़के के लिए कोई अच्छी सी सुशील लड़की ढूंढ देना। मैं तो लड़की दिखा दूंगी, लेकिन फॉरेन में गोरी चिट्टी लड़कियां रहती है। तुम्हारा बेटा अगर किसी बिलायती मेम से शादी कर ली तो क्या करोगी? अरे नहीं, मेरा बेटा वैसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो इसकी फिक्र मत कर। लेकिन उधर अमेरिका में एक दिन विक्रम अपनी फ्लैट के सामने अचानक बेहोश हो जाता है। तभी बाजू वाले फ्लैट में रहने वाली नैन्सी नाम की एक लड़की विक्रम को देख लेती है। ओह गॉड! नैन्सी एक डॉक्टर है, वो विक्रम को अपने फ्लैट में लाकर उसका इलाज करती है। कुछ समय बाद ही विक्रम को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? Who are you? मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे फ्लैट में हैं। अब कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक हूँ। फिर उन दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। नैन्सी तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो? मेरी मॉम इंडिया से है, मैंने कभी इंडिया गई नहीं, बट आई लव इंडिया। विक्रम को नैन्सी अच्छा लगने लगा। समय के साथ उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। नैन्सी तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुम्हें पसंद भी करने लगा हूँ। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। कुछ दिनों के बाद गांव से विक्रम के पिता का कॉल आता है। बेटा तुझे वहाँ गए काफी महीने हो गए हैं, तुझे याद कर करके तेरी माँ बीमार पड़ गई है, क्या तू कुछ दिनों की छुट्टी लेकर नहीं आ सकता है? क्या माँ बीमार है? अच्छा ठीक है, मैं वहाँ आने का इंतजाम करता हूँ। इसके दो दिन बाद विक्रम अपने पिता को फिर से कॉल करता है। पिताजी मुझे 3 महीने की छुट्टी मिल गई है, मैं वहीं पर अपनी कंपनी के लिए ऑनलाइन काम कर सकता हूँ, मैं जल्द ही वहाँ आऊँगा, माँ को बोलिएगा ज़्यादा चिंता ना करें। ठीक है बेटा। मैं नैन्सी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे इतने दिनों तक छोड़कर कैसे रह पाऊँगा, और गांव वापस जाने के बाद माँ और पिताजी शादी के लिए दबाव डाले तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे नैन्सी से बात करनी होगी। विक्रम तब नैन्सी से मिलने जाता है और कहता है, सुनो नैन्सी
गांव में मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना होगा। क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? अब वो कैसी है? तुम्हें अपनी माँ से मिलने जरूर जाना चाहिए। मुझे 3 महीने की छुट्टी मिल गई है, लेकिन नैन्सी मैं तुम्हारे बगैर इतने दिन नहीं रह पाऊंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। तुम भी तो कभी इंडिया नहीं गई हो, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम शादी कर लें, फिर तुम मेरे साथ इंडिया चलना। ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, बट तुम्हारी माँ मुझे क्या अपनाएगी? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इतनी अच्छी हो कि कोई तुम्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकता। तुम बस चलने के लिए राजी हो जाओ। यस, मैं चलूंगी। अगले ही दिन विक्रम और नैन्सी दोनों शादी कर लेते हैं, फिर वो लोग इंडिया आ जाते हैं। अरे बेटा, तू आ गया। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है माँ? तू आ गया, बस अब मैं ठीक हो जाऊंगी, बहुत याद आ रहा था तुम्हारा। माँ, मैं अकेले विदेश से वापस नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया है। कौन बेटा, कौन आया है तुम्हारे साथ? फिर विक्रम बाहर जाकर नैन्सी को साथ में लेकर आता है। ये नैन्सी है, तुम्हारी बहू। क्या, तुमने वहाँ हमें बिना बताए शादी कर ली? और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ रही थी। विक्रम ने शादी कर लिया है तो अब ये सब सोचने का क्या फायदा? विक्रम, बहू को घर के अंदर लेकर आओ। तभी नैन्सी विक्रम के माता पिता को प्रणाम करती है। अरे वाह विक्रम, तेरी बीवी तो भारत की संस्कृति भी जानती है। तुम्हारी बीबी को हिंदी बोलना कुछ आता भी है क्या? जी माँ जी, मैं हिंदी समझ भी सकती हूँ और थोड़ा थोड़ा बोल भी सकती हूँ। माँ, नैन्सी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, वह तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगी। नहीं नहीं, मुझे किसी फिरंगी से अपना इलाज नहीं करवानी है। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, तुम हम पर गुस्सा मत करो, नैन्सी को अपना लो। हाँ माँ जी, मैं विक्रम से बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने विक्रम के कहने पर अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मान जाती हूँ। विक्रम की माँ मान तो जाती है, मगर वो नैन्सी को मन से अपना नहीं पाती। देख बहू, ये गांव है, तेरी फौरन नहीं, यहाँ कोई छोटा छोटा कपड़ा नहीं चलेगा, यहाँ साड़ी पहननी होगी, वो भी घूंघट के साथ। पर माँ जी, मैंने ये सब कभी नहीं पहनी हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए कि साड़ी कैसे पहनते हैं। तब नैना नैन्सी को एक साड़ी पहना देती है और कहती है, शाम को गांव वाले मुंह दिखाई के रसम में तुझे देखने आने वाले हैं, वहाँ ठीक से रहियो, बिरादरी के सामने हमारी नाक मत कटवा देना। जी ठीक है। शाम को जब गांव वाले नैन्सी को देखने आते हैं, तब नैन्सी एकदम नई दुल्हन की तरह सजकर तैयार थी और वो सबसे अच्छे से बात भी करती है, सभी को नैन्सी बहुत अच्छी लगती है। अरे नैना, तेरी बहू तो विलायत से होकर भी एकदम हमारी जैसे बात कर रही है। सुना है तेरी बहू विलायत की डॉक्टरनी है? काहे का डॉक्टर, हमारे गांव के वैद्य के आगे वो कुछ भी नहीं है। अगले दिन सुबह नैन्सी किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। उसे किचन में गए हुए जब बहुत समय हो गई, तब नैना भी किचन में देखने गई कि नैन्सी क्या कर रही है। अरे बहू, किचन में क्या खिचड़ी पका रही है तब से? नो, खिचड़ी नहीं माँ जी, ये चिकन सलाद है, बहुत हेल्दी है। क्या, ये घास फूस खिलाती हो मेरे बेटे को, इसलिए वो इतना दुबला हो गया है? हटो यहाँ से, मैं उसके लिए शुद्ध देसी घी का पराठा बना देती हूँ। नैन्सी तब कुछ नहीं कहती। फिर खाने के टेबल पर, ये ले बेटा,
देसी घी के पराठे। ये विलायती तुझे क्या साग पत्ता खिलाती रहती है? माँ, डॉक्टर ने मुझे कोई भी फैट वाला खाना खाने से मना किया है, इसलिए नैंसी मुझे चिकन सलाद बनाकर देती है। बहू, तू मुझे भी देना अपना बनाया हुआ खाना। हाँ पापा जी, जरूर। इसके दो दिन बाद पड़ोसी के एक छोटा लड़का अचानक बीमार हो जाता है। बहू, तुम तो डॉक्टर हो, जाकर एक बार देखो ना क्या हुआ है। इसे क्या मालूम गांव की बीमारी के बारे में, ये तो वैद्य जी का ही काम है। वैद्य को बुलाया जाता है। इस तरह के लक्षण तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसका इलाज कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्षमा कीजिए, आप इस बच्चे को कहीं और ले जाइए। सभी बहुत परेशान हो गए। ये बात जब नैंसी को पता चला, तब वो खुद जाकर उस लड़के का जांच करने लगी। मुझे पता है कि इस लड़के को क्या हुआ है, मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। फिर नैंसी अमेरिका में दूसरे डॉक्टरों को कॉल करती है और उस बीमारी का भारत में मिलने वाला दवाई के बारे में पता लगाती है। फिर नैंसी उस लड़के का इलाज शुरू करती है और कुछ दिनों में ही वो लड़का बिल्कुल ठीक हो जाता है। सभी गांव वाले नैंसी की बड़ी तारीफ करते हैं। देखा मेरी बहू को, कितनी गुनी है। विलायत में रहने वाले सभी बुरे नहीं होते हैं, समझी नैना? तुम सही बोल रहे हो जी, मैं खुद ढूंढने से भी ऐसी सुशील और गुणी बहू मुझे नहीं मिलती। तुम खुश रहो बहू। उस दिन के बाद से नैना नैंसी से बहुत प्यार करने लगी और कुछ महीने सभी बहुत खुशी खुशी रहने के बाद नैंसी और विक्रम वापस अमेरिका लौट गए।